बनाऊंगी आलू के पराठे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। आलू आधा किलो उबले हुए, घी आधी प्यारी, प्याज आधी प्यारी, हरी मिर्च आधा बारीक कटी हुई, धनिया पुदीना मिर्च आधी प्यारी, भुना हुआ जीरा आधी चाय की चम्मची, चाट मसाला आधा चाय के चम्मच, कुटी हुई मिर्च दो चाय के चम्मचे, नमक आधी चाय की चम्मची, चिकन पाउडर एक चाय के चम्मच, पिसा हुआ गर्म मसाला आधा चाय के चम्मच। अब हम आलू के बनाना पराठे स्टार्ट करते हैं। उबले हुए आलू आधा किलो, हरी मिर्च, प्याज आधी प्याली, धनिया पुदीना आधी प्याली, जीरा, चाट मसाला, चिकन पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मिक्स कर दिए हम आटा लेंगे, इसके छोटे छोटे पड़े बनाएंगे। जैसे हम इसके चार छोटे छोटे पड़े बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे आलू का भुर्ता। और उसमें जो हमारा पेड़ा है इसको उसके ऊपर रख देंगे और इसका हम इस तरह से दबा देंगे। देखिए हमारा पेड़ा बन गया आलू का। इसी तरह दूसरा लेंगे, इसको भी इसी तरह हम दबा रख के बंद कर लेंगे चारों तरफ से। अब हम इसको बेल लेंगे। पेड़ों को अब हम इसे डालेंगे तवे पर। तवे पे हमने डाल दिया है पराठे को। अब हम इसको 5 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सीख गया है, अब इसमें घी लगा के हल्का सा फ्राई करें। तैयार है। अगर आपको मेरे आलू के पराठे की रेसिपी पसंद है तो ज़रूर लाइक करें।